Good morning. कल हम लोगों ने नागरिकता संबंधी कुछ डिस्कशन किया था। देखिए, हम लोग बात किसकी कर रहे थे, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात कर रहे थे कि इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना। तो हमने दो तरीके से देखा था कि किस तरह से हम यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा हमने देखा था कि किस तरह से हमारी नागरिकता जा सकती है, ठीक है। दोनों पॉइंट्स थे आपके। तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या थे स्टूडेंट? पांच तरीके थे। एक था जन्म से, वंशाधिकार बाय डिसेंट, तीसरा था पंजीकरण, चौथा था नॉर्मलाइजेशन, और पांचवा विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। अच्छा, जो छोड़ने की है कि सिटीजनशिप कैसे आपसे ली जा सकती है, तो एक है स्वैच्छिक त्याग। आप खुद ही मतलब कह दे कि भैया हमें नागरिक नहीं होना, हम दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, एक वो है। एक टर्मिनेशन द्वारा, कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले ही लेते हैं तो फिर टर्मिनेट कर ही दिया जाएगा आपका। तीसरा आपका डिप्रिवेशन, ठीक है, कुछ कानून बना करके अगर सरकार को लगता है कि आप उसके लायक नहीं है तो भी वो नागरिकता आपसे ले सकती है। तो तीन तरीके आपके ये थे। जन्म वाले में हमने देखा था कि इसमें हम वो बात करते हैं कि व्यक्ति का जन्म भारत में ही हुआ हो, यानी जन्म से ही वो यहाँ पर है। वंशाधिकार वाला जो पॉइंट था उसका मतलब था कि जन्म इंडिया के बाहर हुआ है लेकिन पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, तब हमने बात की थी बाय डिसेंट वाली। पंजीकरण वाले में हमने क्या कहा था आपसे कि जिनका ओरिजिन इंडिया है लेकिन आज की डेट में दूसरे देश के नागरिक है, जिनका ओरिजिन इंडिया है लेकिन आज की डेट में दूसरे देश के नागरिक है, मतलब वो इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के आदमी है। इसका हमें डिस्कशन करना था अभी कि जो भारतीय मूल के हों लेकिन आज के डेट में दूसरे देश के नागरिक हैं तो क्या उनको नागरिकता मिल सकती है, ये बात। चौथा था हमारा कि इंडियन ओरिजिन का नहीं है, मतलब हमारे भारतीय मूल का ही नहीं है और विदेशी है वो, लेकिन वो नागरिकता उसको लेनी है तो भी हम दे सकते हैं उसको। ये जो विदेशी वाला है बहुत आसान था, जैसे सिक्किम को हमने एक्वायर किया तो सिक्किम की जो जनता होगी उसको हम इंडियन सिटीजनशिप देंगे। तो इस तरह से चीजें हैं, दो हम बात कर चुके थे, तीसरा हमें बात करना था, हम लोगों को रजिस्ट्रेशन वाली बात करनी थी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन वाले में क्या है। देखिए, रजिस्ट्रेशन वाले में अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक चीज हमने आपको पहले बता दी, अगर आपने ध्यान दिया कि इंडियन ओरिजिन का होना जरूरी है, भारतीय मूल का होना जरूरी है, भले वो इस समय दूसरे देश की नागरिकता ले रखा है लेकिन वो भारतीय मूल का है और वो चाहता है कि मैं इंडियन सिटीजन बन जाऊं तो वो अप्लाई कर सकता है बाय रजिस्ट्रेशन वाले में। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? देखिए क्या है इसमें, पीआईओ, ऐसे लोगों को बोला जाता है पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब जो भारतीय मूल के हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भारतीय मूल के हैं, वे विदेशी नागरिक जो ये जो ब्रैकेट में लिखा है इनको छोड़कर, मतलब वो पाकिस्तान के नहीं है, भूटान के नहीं होने चाहिए, नेपाल के नहीं होने चाहिए, श्रीलंका के नहीं, चीन के नहीं, अफगानिस्तान के नहीं, बांग्लादेश के नहीं, ईरान, इन देशों को छोड़कर, इन देशों को छोड़कर बाकी जो है उन्हें हम पीआईओ कह रहे हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दूसरे देश के नागरिक हों जिनके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, आज है कि नहीं इससे मतलब नहीं है, लेकिन कभी ना कभी रहा हो उनके पास, ठीक है, या उसकी चार जनरेशन में से कोई, जैसे वो खुद हो गया, उसके माता पिता में से किसी का जन्म हुआ हो,
दादा दादी में से हुआ हो और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में से भी अगर किसी का हुआ है, देखो वो उसका खुद हुआ हो, उसके माता पिता में से किसी का हुआ हो, उसके दादा दादी में से हुआ हो, या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब उसके दादा के जो पिता वगैरह उनमें से, तो चार जनरेशन तक का अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो चार जनरेशन में से किसी का भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो या किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ली हो तो हम बाय रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में उसको रख सकते हैं। क्यों इन लोगों को छोड़ रहे हैं? अब ये क्यों इन लोगों को छोड़ रहे हैं, ये तो संविधान बनाने वाले समझे भाई क्यों छोड़ दिए, ठीक है ना। अब जब संविधान बनाने वाले जो लोग थे उसके बाद कुछ चीजें हुई होंगी भाई, सोचे होंगे कि ठीक है इन देशों को, अभी बंटवारा ही जब चल रहा है तो पाकिस्तान से तो बुलाने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें समझ में आ गई कि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट PIO की। PIO का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मीनिंग कि वो भारतीय मूल का तो है लेकिन इस समय वो किसी और दूसरे देश की नागरिकता ले रखा है। हाँ, अगर कोई नागरिकता वहां दूसरे की लेता है तो फिर यहाँ की खत्म हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। और यहाँ की अगर कोई नागरिकता लेता है तो फिर उसको दूसरे देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, ये चीजें जो आपको बताई गई थी। तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आई होप कि क्लियर हो गया कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारतीय मूल का था, है अभी, लेकिन वो अभी दूसरे देश में है, बट जो नाम लिए हैं उनको छोड़कर वो देश कंसिडर नहीं होते, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उस समय उसको अपनी वाली नागरिकता छोड़नी पड़ेगी जिस देश का वो है, वो छोड़ करके फिर अपना हमारा भारत का नागरिकता ले सकता है। चार जनरेशन तक अलाउ है, उसको बस ये कहना है कि या तो उसका खुद का जन्म हुआ हो, या तो उसके माता पिता में से किसी का जन्म हुआ हो, या तो उसके दादा दादी में से हुआ हो, या उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट में से किसी का हुआ हो, ठीक है। ये चीज इसमें हमको देखने को मिलती है। अच्छा, इस उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब ये है कि जब ये रजिस्ट्रेशन करा रहा होगा कि भैया हम विदेशी नागरिक हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं और हम यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उसे ये दिखाना पड़ेगा मतलब अप्लाई करने से पहले कि मैं पिछले 7 सालों से भारत में रह रहा हूँ। तो अगर आप पिछले 7 सालों से भारत, अब ऐसा नहीं है कि आप नागरिकता लेना चाहते हैं आज ही चले और कहते भैया हमको नागरिकता दे दो तो तुरंत नहीं मिल जाएगी। आपके लिए प्रावधान है कि आपको 7 साल तक ये दिखाना होगा कि हम भारत में ही रह रहे हैं, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे अगर विदेशी नागरिक है तो, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप हर देश में है या कुछ ही देश में है? सब में नहीं है सिंगल सिटीजनशिप, कई सारे देशों में नहीं है, कुछ देशों में है, ठीक है ना। अब जैसे अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, ब्रिटेन में है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको देखनी है। इसके बारे में हम अभी समझाते हैं ये क्या है। अभी आपने एक ओवरव्यू समझ लिया स्टूडेंट्स की, बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या था, ये समझ में आ गया। बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा, किन के लिए है ये, किन के लिए है ये, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण किन के लिए है? कोई आंसर ही नहीं दे रहा। जो विदेशी नागरिक हैं लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया है, मतलब वो कभी ना कभी भारत में रहे हूं, भारत के मतलब पासपोर्ट धारक रहे हूं, ठीक है ना, कभी ना कभी रहे हूं लेकिन प्रेजेंट में वो यहाँ के नहीं है, वो विदेश के हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम आते हैं। अब जरा हम एक थोड़ा सा डिटेल में इसको क्लियर कर देते हैं आपको, जिससे ये OCI सब समझ में आ जाए, नहीं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं और आपको हम एक क्लियर कर देते हैं ये कार्ड क्या है असल में, ठीक है। तो आप जरा इसको बड़े ध्यान समझना, हमारी बात समझिएगा जरा।
ये नोट कर लेना क्योंकि ये नोट्स में नहीं है आपके, और नोट्स काफी पुराना है पीडीएफ, इसलिए बहुत सारी चीजें इस समय चेंज हो चुकी हैं। अब जैसे 2011 है, संशोधन हो चुका है नागरिकता में, तो वो हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता देंगे आपको, क्योंकि उस समय के नोट में तो उसके भरोसे न रहना, वो काफी पुराना नोट है ना, तो उसमें संशोधन हुए नागरिकता के, तो कई सारे प्रावधान चेंज हो चुके हैं, तो वो अभी जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। तो अभी देखो सारे डाउट खत्म हो जाएंगे आपके, कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। इसलिए हम पीडीएफ शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि पुराने नोट्स थे, बट आप लोगों ने कहा था इस वजह से हमने शेयर कर दिया था, ठीक है। कई सारी चीजें बदल चुकी हैं क्योंकि हमारे संशोधन हो चुके हैं। अभी 2019 में आ गया था संशोधन नागरिकता वाला, कई सारे पॉइंट्स देखने को मिले। 2015 में हुआ था, 2011 में हुआ था, कई सारे प्रावधान चेंज कर दिए गए। तो हम लोग ये देखते हैं जरा कि विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियां, आपका आंसर आ जाएगा जो पूछ रहे एनआरआई कौन है, हम अभी बता रहे हैं वही चीज बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसके बारे में, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसे लोग जो विदेशों में बसे हैं लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, मतलब ओरिजिन उनका यहीं का है लेकिन वो विदेशों में अभी इस समय बसे, ये तीन प्रकार के लोग कहे जाते हैं, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। तो ऐसे लोग जो यहां के हैं, भारतीय मूल के ही थे लेकिन वो विदेशों में बस गए, तो उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया। एक बोला जाता है एनआरआई, एक बोला जाता है पीआईओ, और एक बोला जाता है ओसीआई। तो अब इसको कैसे समझना है बड़े ध्यान से देखिएगा। एनआरआई का मतलब है नॉन रेजिडेंट इंडियन, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल के व्यक्ति, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के सीमा पारीय नागरिक, भारत के सीमा पारीय नागरिक। ठीक है एवरीवन, हमने क्या बात किया कि भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेशों में बसे हैं, तो इनकी तीन कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी होती है एनआरआई कहा जाता है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं। एक है पीआईओ जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाता है, और एक कहलाता है ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एक एक के बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं आपको, जिससे आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। देखिये नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होता है, ये सिटीजन जो है भारत का है लेकिन एक लंबी अवधि के लिए बाहर गया है। अब ये कोई भी रीजन हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है, ठीक है, वर्क हो सकता है,
ये कोई भी हो सकता है। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपको अमेरिका में पढ़ाई करने जाना है और कुछ समय के लिए 2 साल की पढ़ाई है, 3 साल की पढ़ाई है, तो आपको यहां से वीजा मिल जाएगा, वहां का अमेरिका का वीजा आपने ले लिया और आप पहुंच गए, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ के नागरिक नहीं है, आप यहाँ के भारत के पासपोर्ट धारक होंगे, तो नागरिक आप भारत के ही हैं, लेकिन अब क्योंकि आप कुछ समय के लिए अमेरिका में रहने वाले हैं तो आपको NRI कहा जाएगा, तो आपको कहा जाएगा NRI कि आप कुछ काम से वहां गए, मतलब आप पढ़ाई के लिए गए थे, वर्क के लिए गए थे, जैसे वो खत्म होगा फिर आप वापस आ जाएंगे। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन का मतलब होता है कि अभी आपके पास जो पासपोर्ट धारक है वो भारत के ही पासपोर्ट धारक है, नागरिक आप यहीं के हैं, कुछ काम के लिए आप गए थे, समथिंग अराउंड 182 दिन से ऊपर का ही होता है, मतलब 6 महीने के बाद के लिए ही जो जाता है, जैसे कोई ऐसा है तो कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने से ऊपर का अगर वो स्टे करना चाह रहा है वहां पर तो एक नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो वो वहां गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, पॉइंट ये है कि जैसे अमेरिका में जाते हैं तो वीजा लेके जाना होता है, तो कई लोग कहते हैं कि सर ग्रीन कार्ड, अगर ग्रीन कार्ड मिल जाए तो बहुत मजा आएगा। तो ग्रीन कार्ड जो अमेरिका देता है, अगर आप वहां काफी समय तक रह रहे हैं फिर ग्रीन कार्ड आपको वहां का मिल गया, तो ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको भारत की नागरिकता खत्म हो गई या आपके भारत के नागरिक नहीं। ग्रीन कार्ड अगर उस वहां से मिलता है आपको, जो अमेरिका देता है, तो उसका मतलब बस इतना है कि आपको एक अधिकार मिल गया है स्टे करने का वहां, कि आप काफी समय तक स्टे कर सकते हैं, मतलब अब आपको बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप उसके थ्रू वहां पर स्टे कर सकते हैं, आपको सुविधाएं ज्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि अभी आप वहां के नागरिक नहीं है तो आपको सुविधाएं नहीं मिल रही, लेकिन जैसे आपके पास ग्रीन कार्ड आ जाता है तो आपको सुविधाएं मिलने लग जाती है, क्लियर। और दूसरी चीज, अमेरिका में एक प्रावधान है दोहरी नागरिकता का, लेकिन हमारे देश में नहीं है, क्लियर है। अगर आप अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको हमारे देश की नागरिकता छोड़नी पड़ जाएगी, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, ठीक है ना। तो वहां पर उनके राज्य का प्रावधान है कि राज्य में जो रह रहा है उसको है, देश का है, दो नागरिकता का उनका होता है। तो NRI का मतलब बस सिंपल है कि आप किसी काम की वजह से गए, अच्छा, या तो सरकार ने भेजा हो आपको किसी काम से, जैसे UNO की मीटिंग हो, मतलब UNO से रिलेटेड कोई काम करना है, पोस्टिंग देनी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए आपको भेज दिया गया है, तो भी आप NRI की कैटेगरी में होंगे। या किसी की नियुक्ति भारत से बाहर कर दी है हमारे सरकार ने, तो भी आप NRI की कैटेगरी में हैं। तो इस तरह से एक लंबी अवधि के लिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ से जाता है जो कि पासपोर्ट वगैरह उसका भारत का ही है, तो एक NRI की कैटेगरी में होता है। तो इस तरह से ये चीजें आपको देखने को मिलती है। हाँ, ग्रीन कार्ड होने से काफी उसको सुविधाएं बहुत सारी मिल जाती हैं। हाँ, अब उतना तो नहीं मिलेगा जो उनके सिटीजन को मिलता होगा, उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उससे कम मिलेगा। देखो, सिटीजन को मिलने का मतलब क्या होता है, वोटिंग राइट्स, जो उनके सिटीजन को ही होता है। तो अगर आप वहां के नागरिक नहीं बन रहे हैं, नागरिकता आपको अगर नहीं मिल रही तो आप वोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वो केवल उन्हीं को मिलता है जो वहां के नागरिक बन जाते हैं। हर देश के लिए लागू है, वोटिंग राइट्स उन्हीं को होते हैं जो जनरली वहां के नागरिक होते हैं। तो आई होप कि नॉन रेजिडेंट का आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, अगर ग्रीन कार्ड ले भी लिया है तब भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नागरिकता नहीं ली है। ग्रीन कार्ड बस एक है परमानेंट स्टे का, कि आपको बार बार वीजा नहीं लेना है, अब आप इससे यहाँ रह सकते हैं, हम आपको सुविधाएं देने लगेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि क्या उसको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, नहीं, वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब अमेरिका की नागरिकता ले लेगा। चलिए आगे देखते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसकी बात हम आपसे कर ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। क्या बात, अभी आपने देखा ना, वे पर्सन, ये यहाँ पे देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पीछे वाले उसमें, कि वे पर्सन या वे विदेशी नागरिक जो पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान को छोड़कर दूसरे देश के नागरिक हों, जिनके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, या उसकी 4 जनरेशन में से किसी का जन्म डिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर लियो। PIO हमने अभी पीछे समझाया था आपको, देखिए आपके वो नोट्स नहीं था, ये रहा बाय रजिस्ट्रेशन, PIO ही तो है वो, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वे विदेशी नागरिक जो पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान को छोड़कर दूसरे देश के नागरिक
हो जिनके पास कभी ना कभी इंडियन पासपोर्ट रहा हो, या उसकी चार जनरेशन में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या किसी इंडियन सिटीजन से शादी कर ली हो। तो ये बात हमने यहीं पर कर दी है, तो हम यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे आपको। क्लियर है? बोलिए। हेलो, पीआईओ क्लियर है? पीआईओ में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है किसी को। होगा वो भारतीय मूल का ही, ठीक है, लेकिन वो अब विदेश में रह रहा है, नागरिकता उसने विदेश की ले ली है, लेकिन है भारतीय मूल का ही, लेकिन कुछ देशों को छोड़कर जो हमने नाम आपको बताए वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और वो अभी दूसरे देश का नागरिक हो गया है, अब वो भारत में चाहिए उसको, ठीक है, उसने विवाह कर लिया है, वहां पर शादी कर लिया, क्या उसके जो शादी वैवाहिक संबंध ही है उसको मिल सकती है सिटीजनशिप कि नहीं? मिल सकती है, ठीक, बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है ना, तो उसको भी मिल सकती है। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, तीसरा जो हमारे पास है। तो पीआईओ के बारे में हम डिस्कशन नहीं दे, आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग असल में भारतीय मूल के हैं, लेकिन दूसरे देश की नागरिक या तो इनके दादा दादी या इनके पेरेंट्स कोई भी रहा हो, बस इतना बताना है कि हम भारतीय मूल के थे और इस समय भले वो वहां के हैं। हाँ, ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही वो भारत की सिटीजनशिप लेगा उसको अपने उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी, ये बार बार हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। जिस देश का वो नागरिक होगा अगर उसने भारत की नागरिकता ली तो उसको अपने देश की नागरिकता छोड़नी होगी तुरंत, ठीक है, वो छोड़ देगा फिर भारत की नागरिक बन जाएगा वो। चलिए अब आते हैं हम अपने इसमें, ओवरसीज ये कौन है? ओसीआई ओवरसीज, ठीक है, ये भी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक ही हैं, नोट करिए, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, हो गया, ठीक है सर, उसको अपना पहले का सिटीजनशिप तो छोड़ना होगा। हाँ, जहां का होगा वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर आपको यहाँ का लेना पड़ेगा। अब देखिए, रिसेंट में अगर हम बात करें स्टूडेंट, ये हम समझा जरूर रहे हैं, रिसेंट में दोनों मर्ज हो गए हैं, आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये कार्ड खत्म हो गया है, पीआईओ अब नहीं दिया जाता और ओसीआई को भी मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को मर्ज करके एक नया बनाया गया जिसको ओसीसी बोलते हैं। तो अगर हम इन दोनों की बात करें ना, देखो एक तो समझ में आ गया होगा कि कुछ इस तरह से था ये। अच्छा, थोड़ा सा अंतर बता देते हैं, जो पीआईओ था, पीआईओ में जो इनके सगे संबंधी हैं, जो रिलेटिव, मतलब रिलेटिव का मतलब यहाँ पर केवल वैवाहिक वाला है जिससे शादी वगैरह हुई है, उसको प्रावधान था,
ओसीआई में नहीं है, ओसीआई वाले में जब ओसीआई का कार्ड दिया गया तो इसमें उनके वैवाहिक संबंधियों को नहीं है आज तक, मतलब इस कार्ड के थ्रू नहीं ले पाएंगे, उनको दूसरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, कुछ समय रहना पड़ेगा या समथिंग है। तो आप ध्यान रखिए कि जो पीआईओ कार्ड दिया गया था तो ये 2002 के आसपास से शुरू हुआ था, ये 2002 से, लेकिन ये जो किया गया था बहुत बाद में किया गया था, 2005 से समथिंग अराउंड, ठीक है। तो ये वाला जो कार्ड था वो 2005 में आपका ऐसा कुछ किया गया था। तो है दोनों भारतीय मूल के विदेशों में, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पॉइंट ये था कि जो वैवाहिक संबंधी है उनको मिल सकता था, लेकिन यहां पर ओसीआई कार्ड वाले में उनको नहीं रखा गया था, ठीक है ना। तो एक चीज, अब प्रेजेंट में ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, ठीक है, और एक नया कार्ड बोला गया है, उसको बोलते हैं आज की डेट का, अगर हम बोल दें दोनों का विलय हो गया है, ये कार्ड दिए जाते थे ऐसे व्यक्तियों के, कार्ड दिया जाता था जिसपे लिखा होता था ओसीआई कार्ड, पीआईओ कार्ड, जैसे पासपोर्ट नहीं होते हैं तो उस तरह से कार्ड हुआ करते थे। अब इन दोनों का विलय हो गया है, अब दोनों का विलय करके बना दिया गया है ओसीसी। अब इस कार्ड को कहा जाता है ओसीसी, आज की डेट का बता रहे हैं, प्रेजेंट में पीआईओ और ओसीआई दोनों मर्ज हो गए हैं ये दोनों कार्ड, और एक सिंगल बोला जाता है अब ओसीसी बोला जाता है, और इसको कहा जाता है आपका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। नोट करिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा इन दोनों कार्डों का विलय हो गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा। कंप्लीट। तो एनआरआई आपने देख लिया कि भारतीय मूल के ही हैं, हमारे ही नागरिक है ये, लेकिन ये किसी काम की वजह से चले गए हैं वहां पर और नागरिकता वहां की नहीं लिए हैं, यही के हैं वो, तो उनको एनआरआई कहा जा रहा है। पीआईओ जो है ये एक्चुअल में भारतीय मूल के ही हैं, इनके जो वंश पूर्वज कह सकते हो, माता पिता या कोई भी भारतीय मूल का ही रहा हो, कभी ना कभी पासपोर्ट धारक रहा हो, लेकिन वो अब विदेश में जाकर के बस चुके हैं और नागरिकता भी ले चुके हैं वहां की, तो वो पीआई कार्ड होल्डर होते हैं जिनको दे करके हम लोग मतलब भारत की नागरिकता दे देते हैं। ओसीआई जो होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में है कि वो भारतीय मूल के हैं लेकिन विदेश में, लेकिन इनके लिए एक और चीज होती है कि ये एक एक्ट होता है 1955 वाला जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है उसमें ये रजिस्टर होने चाहिए, तो उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि भारतीय मूल के ही विदेशी नागरिक हैं, बस ये जो कार्ड शुरू किया गया वो 2015 से और ये जो शुरू किया गया वो 2002 से,
अब बात ये आती है वोटिंग का, हम बता दें मेन पॉइंट जो आपको सबसे समझना है, वोटिंग राइट्स क्या इनको है या नहीं। तो जो एनआरआई है, जो एनआरआई है, इस एनआरआई को वोटिंग राइट्स है या नहीं? यस, एनआरआई को वोटिंग राइट्स है या नहीं? नहीं, हर्षवर्धन कह रहे नहीं है। और नवीन कह रहे हैं होगा, सच्चिदानंद कह रहे हैं चलिए आपको बता दें स्टूडेंट्स, पहले ये प्रावधान नहीं था, ये वोट नहीं दे सकते थे। आज की डेट में प्रावधान है, एक फॉर्म है फॉर्म 6A, उसको भर करके ये लोग मतलब अपना नाम पंजीकरण करा सकते हैं। तो पुराना जब आप लोग देखोगे नोट्स में एक पॉइंट होगा, अच्छा है ही नहीं क्या इसमें, अच्छा इसमें नहीं, वो वाले में होगा। पीडीएफ वाली सेंड किए थे क्या आप लोगों को, हम जिसमें वो एक साथ था? देखिए उसमें एक पॉइंट होगा, उसमें लिखा होगा कि इनको वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं है। हाँ, उनको वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं था। 2011 में एक संशोधन किया गया, 2011 में, और 2011 में संशोधन करके जो कानून में संशोधन किया गया उसके अनुसार एनआरआई को मतदान का अधिकार दे दिया गया है। तो इनको फॉर्म 6 ये फिल करना होता है। तो हम कहेंगे कि क्या इनको वोटिंग राइट्स है, तो आप कहेंगे यस, इनको अब जो है वोटिंग राइट्स दे दिया गया है, इनको वोटिंग राइट्स दे दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो पीआईओ कार्ड होल्डर है, जिसके पास ये वाला कार्ड है, पीआईओ वाला कार्ड है, ये इसको नहीं है। जब तक कि वो भारत का नागरिक न बन जाए, क्योंकि अभी उसके पास पीआईओ कार्ड, तो अभी वो भारत का नागरिक नहीं है। हम उसे बोल रहे हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अभी वो भारतीय मूल का तो है लेकिन वो दूसरे देश का नागरिक है। वोटिंग राइट हम इसको नहीं देंगे, ओसीआई वाले को भी नहीं मिलेगा। इसको भी वोटिंग राइट नहीं, ठीक है। तो अब आप इस पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए, हम बहुत सिंपल बता रहे हैं। ये कार्ड होते हैं पीआईओ कार्ड, ये दिया जाता था 2002 में। कोई एक ऐसा पर्सन जो भारत से बाहर था, दूसरे देश का नागरिक बन गया था, ठीक है, लेकिन वो भारतीय मूल का ही था, तो उसको पीआईओ कार्ड दे दिया जाता था कि इससे ये पता चले कि आप भारतीय मूल के थे। और 2005 से फिर एक कार्ड बताया गया ओसीआई कार्ड, तो ओसीआई कार्ड भी उनको दिया जाता था, जिससे हमें पता रहे कि मतलब ये भारत के मूल के लोग हैं। लेकिन ओसीआई कार्ड होने का मतलब ये नहीं था कि आप यहाँ आके वोट दे सकते थे, या पीआईओ कार्ड होने का मतलब ये नहीं था कि आप यहाँ वोट दे सकते थे। हाँ, एनआरआई आप हैं क्योंकि आपके पास भारत का पासपोर्ट होगा, आप हैं यहाँ के, तो आप वोटिंग राइट आपको दे दिया गया। बहुत दिक्कत हुई थी शुरुआत में, वोटिंग राइट नहीं था तो बहुत ज्यादा डिबेट हुई इस चीज पर कि हमको क्यों नहीं दिया जा रहा, हम जब भारत के हैं, हम तो खाली पढ़ाई वर्क इसके लिए आए हुए हैं, तो हमको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो 2011 में ये एक अधिसूचना जारी करके इनको वोटिंग राइट दे दिए गए एनआरआई को, ठीक है। आप लोग फॉर्म 6A एक आता है, आप उसको भरिए, उसके तहत मतलब उसके तहत आप वोटिंग में अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो इस तरह से ये चीजें की गई। चलिए आगे देखते हैं, एनआरआई के लिए, एनआरआई है अमेरिका में है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्या इसको भारत आने के लिए वीजा की जरूरत है?
एनआरआई है वो अमेरिका में रह रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, जापान में रह रहा है और इसको भारत वापस आना है, तो क्या इसको वीजा चाहिए होगा? नहीं, इसको वीजा नहीं चाहिए होगा। पीआईओ को वीजा चाहिए होगा? पीआईओ को चाहिए होगा। अरे भाई, पीआईओ आपका नागरिक थोड़े ना है, भारतीय मूल का है ना खाली, वो है तो विदेशी नागरिकता ना उसके पास, बताया नहीं, वो भारतीय मूल का है लेकिन उसने दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है ना, तो आप दूसरे देश की नागरिकता ले रखी है तो वीजा तो चाहिए होगा उसे, वीजा तो उसे चाहिए ही होगा, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है ये। अच्छा, ओसीआई कार्ड होल्डर को, हाँ इसको भी वीजा वो चाहिए होगा, लेकिन वो जो वीजा है जब मिल जाता है तो वो अपना वीजा लेकर के आ सकता है उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे देश के नागरिक नहीं है तो उनको तो वीजा चाहिए होगा। और जो ऑलरेडी एनआरआई आपका नागरिक है भाई, बहुत सिंपल सा, एनआरआई नागरिक है आपका, पासपोर्ट है इसके पास आपके देश का, तो हम क्यों वीजा इसको लगाएं? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और ये आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत अब नहीं हुई होगी। एनआरआई समझ में आ गया स्टूडेंट्स, पीआईओ और ओसीआई, ठीक है, ये दोनों भारतीय मूल के ही हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है ना। चलिए अब देखिए जरा, अगर कोई पीआईओ कार्ड होल्डर है, अब पढ़िए जरा आपने इसको, अगर कोई पीआईओ कार्ड होल्डर है बाय रजिस्ट्रेशन, तो उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, मतलब 7 साल, जैसे पीआईओ कार्ड हमारे पास है, हमने कह दिया भाई देखो हम भारतीय मूल के हैं, मेरे पास कार्ड है और हम भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो आपसे ये कहा जाएगा ठीक है मिल जाएगी आपको नागरिकता, आप भारत आइए, 7 साल रहने का हमको प्रमाण दे दीजिए कि हम 7 साल से यहाँ रह रहे हैं, उसके बाद आप अप्लाई करिए, हम आपको दे देंगे नागरिकता, कोई दिक्कत नहीं है। पीआईओ कार्ड होल्डर इस तरह से, ओवरसीज इंडियन कार्ड है अगर आपके पास, ओसीआई वाला कार्ड आपके पास है, दो तरीके हैं, एक तो आपके पास ये कार्ड होगा या तो नहीं होगा, तो अगर आपके पास ये कार्ड है, यस ओसीआई कार्ड हमारे पास है, यदि 5 साल से ओसीआई कार्ड होल्डर है, आपने ओसीआई कार्ड ले रखा है 5 साल से, तो इंडिया आकर 1 साल रहने के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि कोई ओसीआई कार्ड होल्डर है, उसके पास ओसीआई का कार्ड है, ओवरसीज सिटीजनशिप जो कार्ड है उसके पास ऑफ इंडिया, 5 साल से ऑलरेडी वो ले रखा है और अब वो नागरिकता चाहता है, तो भारत आए, उसको केवल 1 साल रहना है, भारत आकर के उसको ये बताना है कि हम 1 साल बस हम रह रहे हैं और 1 साल के बाद वो अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो उसको 7 साल दिखाना होगा। देखिए, अगर उसके पास कार्ड है, ओसीआई विदेशी नागरिक है भारतीय मूल का, तो 5 साल से ओसीआई कार्ड होल्डर है तो इंडिया आकर 1 साल रहने के बाद रजिस्ट्रेशन करा सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो इंडिया आकर 7 साल रहना होगा और 7 साल रहने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाएगा। अभी क्वेश्चन पूछा गया आपसे आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में, बताए देखिए क्या पूछा गया, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट किया गया, उन्होंने कहा अगर किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसे कितने साल भारत में रहने का शो करना होगा, तो इसका आंसर है 7 साल। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 7 साल दिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता लेनी है तो उसको कितने साल रहने का प्रमाण देना होता है, तो आपका आंसर आएगा 7 साल। वो है मेन पॉइंट, क्योंकि वो चीज इनके ऊपर भी लागू होती है, पीआईओ वाले पे भी, कि उसे भारत में लगातार 5 से 7 वर्षों तक रहने का प्रमाण है, तो 7 वर्ष माना जाता है मेन जो पॉइंट है, ये आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, कि अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के द्वारा, यदि अगर कोई व्यक्ति
रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे 7 साल भारत में रहने का प्रमाण देना होगा। ए शुभम, ओ शुभम, कितनी गहरी नींद में सो गया भाई। चला गया वो, नींद नहीं पूरी हो रही, बताओ। पूरा रात पढ़ाए रौनक, तुम्हारे पार्टनर है क्या? चलो ठीक है, आराम करने तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। तो बाय रजिस्ट्रेशन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी सभी को, कोई दिक्कत इसमें? बाय रजिस्ट्रेशन, तो बाय रजिस्ट्रेशन में हमारे पास क्या चीज है कि बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण में जनरली वो लोग हैं जो बाहर विदेशी मूल के हैं, मतलब भारतीय मूल के हैं, विदेशी हैं, तो या तो पीआई कार्ड होल्डर हो या तो उसे। ध्यान रखिएगा दोनों कार्ड मर्ज हो चुके हैं, अब आज की डेट में एक सिंगल बनाया गया जिसका नाम ओसीसी कार्ड। अब वो ओसीसी दिया जाता है उनको, आपको हमने डिफाइन कर दिया। और ओसीसी का मतलब क्या था? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, अब ओसीसी कहा जाता है। 2015 संशोधन हुआ और दोनों कार्डों को मर्ज करके इसको कर दिया गया है, तो रिसेंट वाला भी याद रखना है आपको। चलिए तीन हो गए, चौथा हमारे पास है नेचुरलाइजेशन द्वारा, देशीकरण द्वारा। अभी हम बात कर रहे थे जिनका ओरिजिन इंडिया है लेकिन आज की डेट में वो दूसरे देश के नागरिक है, इसीलिए उनको कार्ड मिल रहा था पीआईओ और ओसीआई। अब हम देखेंगे इंडियन ओरिजिन का नहीं है, यहां का है ही नहीं, वो विदेशी नागरिक है, उसको कैसे हम दे सकते हैं नागरिकता? ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग करना होगा। वह जिस देश का नागरिक है सर, कोई व्यक्ति अगर लंबे समय से इंडिया का मूल निवासी है और फिर दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लेता है, उसका बाद वह चाहता है कि इंडिया का सिटीजनशिप उसे मिल जाए, तो वह किसे? रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा भाई, आपने बोल दिया ना कि वो मूल निवासी यहाँ का है फिर बाद में दूसरे देश का चला गया, तो वही तो बात किए थे कि अगर इंडियन ओरिजिन का है और जाकर के दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लेता है तो ऑब्वियसली बात है वो रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस में आ जाएगा। नेचुरलाइजेशन में वो कौन आता है जो यहाँ का है नहीं, इंडियन ओरिजिन का नहीं है? वे व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है मतलब किसी भी तरह से नहीं है, जैसे बिल गेट्स,
अब बिल गेट का जन्म भारत में तो हुआ नहीं है और भारत का तो है नहीं, तो बिल गेट अमेरिका के हैं और आगे चलकर बिल गेट कहते हैं कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो हम इनको किस कैटेगरी में रखेंगे? इनको नेचुरलाइजेशन में रखेंगे, देसीकरण वाले में। क्यों? क्योंकि ये इंडियन मूल के नहीं है, इंडियन ओरिजिन इनका नहीं रहा है। अच्छा हाँ, अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि हमारे चार जनरेशन तक कोई ना कोई रहता था, हमारे माता पिता में से कोई था, दादा दादी में से कोई था या उनके ग्रैंड, तो पॉसिबल है, फिर वो रजिस्ट्रेशन वाले में चले जाएंगे। लेकिन अगर वो ये प्रूफ नहीं कर पाते कि भारतीय मूल के हम नहीं थे, अमेरिका में जन्म हुआ है, तो फिर रजिस्ट्रेशन वाले में नहीं जाएंगे, वो नेचुरलाइजेशन में आएंगे, जो हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें वो लोग आते हैं जो भारतीय मूल के नहीं है, वो विदेश में ही जन्म हुआ है, विदेश है, लेकिन वो भारत की नागरिकता चाहते हैं, तो मिल सकता है उनको। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता को उसे त्याग करना होगा, छोड़ना होगा उसे, तभी मिल जाएगा। दूसरा, देशीयकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम एक वर्ष तक भारत में रहा हो, देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम एक वर्ष तक भारत में रहा हो, संविधान में उल्लिखित भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो, वह पूर्ण आयु क्षमता एवं सदचरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां जहां देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता हो। नोट करिए, क्योंकि नोट्स में होगा नहीं आपके। By naturalization, ये उनके लिए है जो भारतीय मूल के नहीं है, बाहर ही उनका जन्म हुआ है, ठीक है, लेकिन भारत की नागरिकता चाहते हैं।
still working. Complete students. चलिए देखिए बड़े ध्यान समझिएगा, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो बाय रजिस्ट्रेशन का मतलब था, पंजीकरण का मतलब उनके लिए है जो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन इस समय वो दूसरे देश की नागरिकता लिए हैं, एक प्रकार से वो विदेशी नागरिक हैं। लेकिन हाँ, कभी ना कभी उनके पूर्वज भारत में रहे होंगे, कभी ना कभी वो यहाँ के पासपोर्ट धारक रहे होंगे, तो इसलिए अगर हमें उन्हें नागरिकता देनी है तो बाय रजिस्ट्रेशन से हम दे सकते। लेकिन जो यहाँ के मूल निवासी था ही नहीं, कभी किसी प्रकार से नहीं जुड़ा था, विदेश का ही आदमी है, जैसे हमने एग्जांपल दिया बिल गेट वगैरह जो वहां का है, और उसको अगर नागरिकता चाहिए, अगर उसको नागरिकता चाहिए तो इसका मतलब वो बाय नेचुरलाइजेशन से ले सकता है। ठीक है, ये चीजें हो सकती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस देश का वो नागरिक है उसकी नागरिकता का त्याग करना होगा। अगर आप यहाँ की नागरिकता ले लेते हैं नेचुरलाइजेशन से, तो आपको तुरंत उसकी नागरिकता छोड़नी होगी अपने देश से। दूसरा, देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम एक वर्ष तक भारत में रहा हो, मतलब जिस समय आप अप्लाई करने वाले हैं, जिस समय आप अप्लाई करने वाले हैं उससे एक वर्ष तक पहले आपको ये दिखाना होगा कि हम भारत में ही रह रहे हैं। संविधान में जो हमारी भाषाएं उल्लेखित हैं, कितनी भाषाएं हैं जो उसमें लिखी गई हैं, जो जिनका उल्लेख है? जो नागरिक है वो तो इलेक्शन में हो ही जाएगा, अगर वो नागरिक बन जाता है भारत का तो इलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है भाई, जब तक नागरिक नहीं होगा तब तक नहीं कर पाएगा। तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए, जो 22 भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें से कोई एक ज्ञान उसको होना चाहिए अगर वो देशीकरण से अप्लाई कर रहा है तो। अच्छे चरित्र वाला हो, एकदम अपराधी अपराधी नहीं होना चाहिए, दिमाग से पैदल हो, दिमाग काम ही नहीं कर रहा, पता चला आज आ गया पागल टाइप का है उस समय, फिर वो कहता है अरे मैं कहाँ आ गया, मैं तो भूले से ले लिया, मैं तो अपने देश का हूँ। अब ये सब चीजें ना हो, मतलब सच्चरित्र वाला हो, ठीक ठाक हो, पूर्ण आयु हो, ज्ञान हो, वो सब हो, तब तो वो चीजें उसके पास होना चाहिए। वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता हो, मतलब उसी देश के लोग मिल जाए, उन्हीं देश के लोगों को दिया जाता है जहां पर ये चीज फॉलो होती होगी नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। मतलब सपोज करिए जापान है, तो अगर जापान ये मना कर दे कि हम देशीकरण प्रोसेस से नागरिकता नहीं देते हैं, तो सारी क्वालिटी होने के बाद भी वो पांचवें की वजह से भारत का नागरिक नहीं बन पाएगा, तो सारे देश इसमें शामिल नहीं हो सकते। अब सपोज करो पाकिस्तान, मान लो कहता है कि हम भारत की नागरिकता लेनी ही नहीं है, देंगे ही नहीं हम किस तरह से, तो आप सारी फॉलो भी कर लेंगे ना, तब भी आपको ये नहीं मिलेगा इसकी, क्योंकि ये चीज आपको फॉलो करनी चाहिए कि केवल उसी देश के नागरिक या उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहां देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता लेने से रोका जाता हो। अगर वो देश ये मना कर दे कि हम देशीकरण के द्वारा नागरिकता देते ही नहीं है, तो भारत कैसे दे देगा नागरिकता? केवल उन्हीं देशों पर अप्लाई होता है जो देश इस प्रोसेस से मना ना करें, तभी वो व्यक्ति वहां से ले सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, जो पॉइंट्स है, बाबा होना चाहिए। अरे तुम खत्म हैं। तो देशीकरण द्वारा नागरिकता क्लियर सबको? किनके लिए देशीकरण स्टूडेंट्स? नेशनलाइजेशन प्रोसेस किसके लिए है? इस प्रोसेस के द्वारा कौन ले सकते हैं नागरिकता? इस प्रोसेस के द्वारा कौन ले सकते हैं नागरिकता? इंडियन ओरिजिन के जो नहीं है, जो इंडियन ओरिजिन का ना हो, दूसरे देश के लोग हैं,
तो दूसरे देश के लोग तो रजिस्ट्रेशन से भी लेते हैं ना। आप कहोगे कि दूसरे देश के लोग नागरिक है लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के नहीं है, भारतीय मूल के नहीं है। अगर वो भारतीय मूल के हुए तो फिर वो रजिस्ट्रेशन द्वारा लेंगे, यानी कि उनके पास फिर या तो ओसीआई कार्ड होल्डर होने चाहिए या तो पीआईओ कार्ड होल्डर होने चाहिए, एनआरआई इस तरह के लोग होने चाहिए। अगर भारतीय मूल के हैं तो वो ले सकते हैं, ठीक है, अच्छे चरित्र वाला हो। हाँ तो चलिए, अब जैसे बिल गेट्स, अच्छा एक और कंडीशन बताते हैं आपको, वैसे वो बहुत ज्यादा वो नहीं है लेकिन आप समझिएगा, ये जो एक वर्ष वाला लिखा है ना, ये जो एक पॉइंट लिखा है, देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम एक वर्ष तक भारत में रहा हो, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, आपको पता है ये केवल इतने से काम नहीं चलता है, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। ये तो एक पॉइंट बताया गया है कि कम से कम लगातार एक साल रहा हो, इसमें पिछले 15 वर्ष तक का रिकॉर्ड देखा जाता है। तो उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति असल में लिखना मत इसे, बस नॉर्मल समझा रहे कि वो दूसरे देश का है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसके पिछले 15 साल के रिकॉर्ड देखे जाएंगे कि वो किस तरह का व्यक्ति था, मतलब सब कुछ ठीक था, हमारे संविधान के प्रति मतलब सम्मान दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, चरित्र उसका अच्छा है ना, मतलब वो जेल तो बार बार नहीं चला गया है, मतलब इस तरह की कुछ चीजें देखी जाती है, 15 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है उसका। इस 15 साल में से अगर हम इसको दो पार्ट में बांट लें, एक पार्ट बांट लें 14 वर्ष और एक पार्ट बांट लें 1 वर्ष, तो ये वही 1 वर्ष है, ये वही 1 वर्ष है कि जब वो अप्लाई कर रहा है तो देशीकरण के आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक भारत में रहा हो, तो जिस साल वो अप्लाई करने वाला, मान लो 2020 में वो अप्लाई करने वाला हो, कि वो 2020 में अप्लाई करना चाहता है, कि 1 जनवरी 2020 को अप्लाई करना चाहता है, तो उसको ये दिखाना होगा कि मैं 2019 पूरा भारत में ही रहा हूं, तो 1 जनवरी 2019 से मैं यहां तक भारत में रहा हूं, ये उसको दिखाना होगा। अगर वो 2019 में अप्लाई कर रहा है तो उसे 2018 से दिखाना होगा कि 2018 से 2019 तक मैं भारत में ही हूं, मतलब जिस भी समय वो अप्लाई कर रहा होगा उसको ये दिखाना होगा कि पिछला 1 साल मैं पूरा का पूरा भारत में ही रहा हूं, मैं कहीं नहीं गया, ये कंडीशन है। बट इतने से काम नहीं बनेगा, उसके पिछले 14 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा, 15 साल टोटल होते हैं, 1 साल ये हो गया, इस 14 साल में कम से कम 11 साल भारत में रहा हो, तो टोटल 15 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। तो 1 साल जो है वो तो कंपलसरी है आवेदन करने से पूर्व, वो 1 साल तो कंपलसरी है कि वो उसको रहना ही है, बाकी जो पीछे के 14 साल होंगे इसमें से उसको कम से कम 11 साल दिखाना होगा कि वो 11 साल मतलब यहाँ पर रहा है उस 14 साल में से, तो टोटल ऐड करोगे तो 15 साल में से 12 साल उसको ये दिखाना होगा कि हम भारत में रहे, मतलब 3 साल का छूट है, तो 15 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है कि वो कम से कम 12 साल का मतलब वो यहाँ रहा। लेकिन इसमें कुछ छूट है, ये सरकार के पास पावर है। अब सपोज बिल गेट्स करना चाहते हैं अप्लाई, तो बिल गेट्स आपके अगर अप्लाई करना चाहते हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं, क्या मान लो वो भारत की नागरिकता लेना चाह रहे हैं, 15 साल का रिकॉर्ड देखोगे, मतलब बिल गेट्स को तुम मतलब कहोगे कि नहीं 12 साल इंडिया में रहना चाहिए, नहीं, कुछ विशेष प्रावधान है जिसके तहत छूट दे करके इनको शामिल किया जा सकता है, वो कुछ लोगों पर लागू होता है, वो गवर्नमेंट के पास है अधिकार कि वो किस तरह से उसको करना चाहती है। तो उनको अगर लगता है कि बिल गेट्स मतलब शामिल होना चाहते हैं तो बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से वो उनको इसमें छूट दे सकती है और उनको शामिल करा सकती है। अब उनको 12 साल का वेट नहीं कराया जाएगा कि आप बताइए बिल गेट 12 साल इंडिया में रहेगा तो काम कब करेगा, ठीक है ना, तो क्योंकि विदेश में, तो ये कुछ चीजें हैं लेकिन नॉर्मल पर्सन के लिए ऐसा है। तो इस तरह से वो चीजें आपको देखनी है। तो दूसरे पॉइंट पे उन्होंने यही लिखा है कि आवेदन के तत्काल पूर्व कम से कम 1 वर्ष तक तो उसको भारत में रहने का दिखाना ही होगा कि हम लगातार भारत में ही रह रहे हैं, हम कहीं नहीं गए, तो ये चीज आपको देखना है, क्योंकि सर वो पैसे वाले हैं। हाँ भाई, अब ये कोई कहने की बात थोड़े ना है, अब कितनी बड़ी इकोनॉमी चलती है आप समझते हो बिल गेट्स से, अगर बिल गेट्स जिस देश का शामिल होने वाला होगा तो वो तो खुद ही बुला लेंगे, भैया आ जाओ हमारे देश की नागरिकता ले लो, हर देश चाह रहा होगा कि चलो हमारे देश की नागरिकता ले लो, वो सब प्रावधान कर दिए जाएंगे, अगर संशोधन करना होगा तो संशोधन कर देंगे तुरंत, ठीक है ना, जो भी होगा तो कर ही दिया जाएगा। तो इस तरह से चीजें हम लोग समझते हैं,
पांचवा जो प्रोसेस था स्टूडेंट, वो जो विदेशी अर्जन वाला, वो बहुत ईजी है, उसमें ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं है। अगर आप किसी दूसरे चीज को अपने अर्जित करते हैं, जैसे सिक्किम एग्जाम्पल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको नागरिकता दे ही देंगे, क्लियर है। तो वो विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा पांच तरीके हमने बताया, बहुत सिंपल था। पहला था बाय बर्थ, आपका अगर जन्म यहाँ हुआ है तो आप अधिकारी हैं। दूसरा हमने बताया था बाय डिसेंट, आपका जन्म यहाँ नहीं हुआ है, आपका जन्म बाहर हुआ है लेकिन आपके जो पूर्वज हैं कोई ना कोई यहाँ रहा हो तो आपको मिल सकता है वंश के आधार पर। तीसरा आपका पॉइंट था रजिस्ट्रेशन द्वारा, ये उनके ऊपर अप्लाई होता है जो भारतीय मूल के थे लेकिन अब उन्होंने विदेशी नागरिकता ले रखी है, ठीक है ना कभी वो यहाँ रहे होंगे, उनके पूर्वज रहे होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। चौथा था हमारा देशीकरण, जिसमें वो भारतीय मूल के नहीं है लेकिन विदेशी नागरिक है फिर भी वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से ले सकते हैं। पांचवा था हमारा विदेशी भूमि का अर्जन द्वारा, अगर हम किसी विदेशी भूमि को अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उनके जो नागरिक हैं उनको हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं। इस तरह से पांच प्रोसेस थी जिसमें हमने देखा नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं छोड़ने के तरीके, क्या आप ऐसा कर दें कि जिससे आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, क्या आप ऐसा कर दें जिससे आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, चलिए देखते हैं। चल शुरू करें। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम उसको छोड़ सकते हैं, इस पॉइंट पर बात करते हैं। कितने तरीके बताए थे स्टूडेंट छोड़ने के, तीन बताए थे। पहला था स्वैच्छिक त्याग, बाय रिनन्सिएशन, आप खुद ही कह दें भाई हम त्याग रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, टर्मिनेशन। देखिए अगर कोई व्यक्ति देखो पहला तो ये हो गया, भाई ध्यान समझना, पहला तो ये हो गया कि आप खुद ही कह रहे हैं कि हम छोड़ना चाहते हैं नागरिक, चलिए हो गया। टर्मिनेशन का मतलब है कि किसी को टर्म, जैसे कंपनी है, कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आप एम्प्लॉई हैं, तो एक तो होता है कि आप खुद ही रिजाइन कर दें, एक होता है कि आप खुद ही रिजाइन कर दें। तो आपने जो रिजाइन किया है इसका मतलब ये रिनन्सिएशन है कि आप खुद अपनी स्वेच्छा से चीजें कर रहे हैं। एक दूसरा है टर्मिनेशन, आपकी कुछ एक्टिविटी गलत पाई गई कंपनी में और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आपको निकाल रहा है कंपनी से, वो टर्मिनेशन है, आपको टर्मिनेट किया जा रहा है। तो मतलब आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी पाई गई जो गड़बड़ थी कंपनी के रिस्पेक्ट में, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने आपको बाहर कर दिया, ये टर्मिनेशन द्वारा है। तो नागरिकता में भी ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से या नॉर्मलाइजेशन नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से, मतलब पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा उसने नागरिकता प्राप्त की थी लेकिन सरकार को पता चलता है कि इसने कुछ गड़बड़ की है, कुछ जाली चीजें लगाई हैं, जो डॉक्यूमेंट थे वो गड़बड़ थे और कुछ ऐसा लगता है, तो सरकार उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर सकती है, इसे कहते हैं टर्मिनेशन द्वारा, बर्खास्त कर सकती है। कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने पंजीकरण और नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा उसने अगर नागरिकता ली थी और कुछ हमें उसमें गड़बड़ दिखती है तो सरकार उसकी नागरिकता को टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है, ये एक पॉइंट था। या ऐसा हो सकता है जैसे कुछ कंट्री के लोग यहाँ कि नागरिकता नहीं ले सकते हो तो वो अगर पहले दूसरे देश की नागरिकता ले उसके बाद फिर तब मिल जाएगी उनको, हाँ, तो टर्मिनेशन क्लियर हुआ। या ऐसा भी हो सकता है, देखो एक और प्रोसेस होती है, दोनों समझिएगा, हम अब लिख नहीं रहे बस सुनिएगा हमारी बात। हमने कहा कि स्वेच्छा से रिनन्सिएशन का मतलब है कि खुद वो त्याग रहा है, वो व्यक्ति है रिनन्सिएशन वाला जो ऑलरेडी हमारे यहाँ का ही है, यहीं का नागरिक है। टर्मिनेशन वाली बात हो रही है जो पंजीकरण या नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से जिसने प्राप्त किया था, तो अब वो नागरिकता प्राप्त करके आ गया, एक तो बात होती है कि गड़बड़ लगा वो, दूसरा बात होता है नागरिकता प्राप्त करने के बाद भी अगर वो ये कह दे कि हम फिर से हम दूसरे देश की नागरिकता चाहते हैं, एक तो वो यहाँ की नागरिकता ले भी लिया है और फिर कहता है कि नहीं अब हम दूसरे देश की नागरिकता लेंगे, तो सरकार कहेगी ठीक है भाई जाओ ले लो, हम आपको टर्मिनेट करते हैं नागरिकता, तो गवर्नमेंट उसको टर्मिनेट कर देगी। तीसरा
वंचित द्वारा, डिप्रीवेशन जो थर्ड है, डिप्रीवेशन वंचित करने द्वारा। तो सरकार कोई भी कानून बना करके नागरिकता छीन सकती है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप सामान्य परिस्थितियों में आपसे ये नागरिकता नहीं छीनी जाती, कि जब मर्जी तब नागरिकता नहीं छीन ली जाएगी। कुछ आपने गड़बड़ की होगी तभी आपको सरकार वंचित करेगी। जैसे आपके अपने संविधान में आस्था नहीं है, चलिए इन पॉइंट्स को हम लिख दे जरा, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे ये पॉइंट, जरा दोबारा जब आप पढ़े तो याद रहे कब आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। पॉइंट नंबर वन, संविधान के प्रति निष्ठा न रखने पर। युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले व्यक्ति को यदि किसी व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से भारतीय नागरिकता अर्जित की हो, लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो, देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष या अधिक की सजा दिए जाने पर किसी भारतीय नागरिक स्त्री या पुरुष कोई भी हो एक दूसरे देश के स्त्री पुरुष के साथ विवाह करने पर
तो ये वो तरीके हैं स्टूडेंट जिसके तहत मतलब आपकी नागरिकता जा सकती है, मतलब अगर इसमें से कोई भी गड़बड़ की जाती है तो यहां से नागरिकता छीनी जा सकती है। छीने जाने का प्रावधान का मतलब है कि वो छीन सकती है, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि वो छीन ही लेगी, ठीक है ना। ये प्रावधान का मतलब ये है कि वो नागरिकता आपसे छीन सकती है कानून बनाकर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि बस आप आज ही से आपको खत्म ही कर दिया जाएगा। तो संविधान के प्रति निष्ठा ना होने पर, ये तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको अपने संविधान को सम्मान देना ही होगा, ये तो कंपलसरी ही होता है। युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले व्यक्ति को, हमें हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा है और आप उसको सपोर्ट कर दें और उसी के साथ ढेर सारा मतलब बस गुप्त सूचनाएं दे दें, फाइनेंशियल मदद दे दें, ये सब चीजें। हाँ, जो बहुत सालों से बता तो दिया, 7 साल वाला बताया नहीं हमने कि बहुत साल से जॉब कर रहा है समथिंग, ये देखो ना लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो, है तो चौथा वाला पॉइंट। अगर वो लगातार 7 साल से बाहर रहा है तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपसे आपकी नागरिकता छीन सकती है, ठीक है। युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से भारतीय नागरिकता अर्जित कर ली हो, ये वाला जो प्रोसेस है जो विदेशियों पे लागू हो रहा है कि अगर देशीकरण रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या फिर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से अगर उसने नागरिकता प्राप्त की है और प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर ही कोई दूसरे देश में उसको जेल हो गई, मतलब एक तो उसने नागरिकता प्राप्त कर ली भारत की, लेकिन अभी उसने प्राप्त ही किया, जैसे 2020 में उसने प्राप्त किया, नागरिकता मिल गई उसको, लेकिन 2025 से पहले ही 5 वर्ष के अंदर ही वो किसी जेल में बंद हो गया, 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष या अधिक की सजा दिए जाने पर, तो किसी दूसरे देश के में अगर उसको सजा दे दी गई है तो भी उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी अगर वो इस तरह का होता है। तो ये खास उन लोगों के लिए है जो देशीकरण या नेचुरलाइजेशन से, उन्होंने मतलब नेचुरलाइजेशन और पंजीकरण इनसे अगर प्राप्त किया है तो कंडीशन है कि आपको जेल वेल नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। अब पता नहीं 5 वर्ष ही क्यों रखा है, मतलब इन लोगों ने रखा कि 5 वर्ष के अंदर, अब 5 वर्ष के बाद मतलब जेल हो जाए तो ठीक है, हैं? मतलब 5 वर्ष के अंदर अंदर अगर जेल नहीं हो रही, मतलब जेल अगर हो रही तो हम छीन लेंगे, ये है मतलब इसका, ठीक है। तो ये बातें हमारी नागरिकता की थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बातें। हमने सबसे पहले देखा अपने अनुच्छेद को, क्या कह रहे हो ज्योति, बहुत परेशान, काफी टाइप कर चुकी, ये सानिया मिर्जा में बहुत परेशान है, ये पहले दिन से ही सानिया मिर्जा के पीछे पड़ी हुई है, मतलब क्या चाहते हो, भारत से निकाल के मानोगे, मतलब यही चाहते हो कि निकाल दे भारत से, सर फिर सानिया मिर्जा को क्यों इंडिया की नागरिकता है? तो हमने कहा तो आपसे कि उसने नागरिकता पाकिस्तान की नहीं ली है ना, अगर ले लेगी तो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। विवाह वाले में भी है, इसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि ये कर सकती है का मतलब कि कर सकती है अगर वो चाहे तो, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है कि खत्म ही हो जाएगी। हाँ, अगर वो नागरिकता ले लेती है कि हम पाकिस्तान की नागरिकता, हम नागरिक बन गए तो खत्म तुरंत हो जाएगी, वो प्रावधान है, या अगर वो नागरिकता ले लेती है तो तुरंत वंचित कर दिया जाएगा, ये पॉइंट्स होते हैं। अदनान सामी को मिला है, देखो पाकिस्तान का था लेकिन उसको मिला है ना नागरिकता,
अदनान सामी को दिया गया है काफी समय बाद, बहुत दिन तक यहाँ पर रहा है। जब देखा गया कि सच्चरित्र है, भारतीय मूल का कुछ प्रमाण देना पड़ा कि नहीं हम अनडिवाइडेड इंडिया में, मतलब हमारी जनरेशन वगैरह थी, तो कुछ इस तरह से अदनान सामी को मिली है भारत की नागरिकता या नहीं? अदनान सामी को भारत की नागरिकता है या नहीं, बोलो। उसी पे तो बवाल हुआ था बहुत सारा। देखो हमने कहा ना, टैलेंट भी मैटर करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें देखना पड़ता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है जिसको नागरिकता हम दे रहे हैं। जैसे हमने बिल गेट वाला एग्जांपल दिया था, चीजें बदली जा सकती है क्योंकि सरकार के हाथ में संशोधन है, वो चाहे तो उन चीजों को कर सकता है, ठीक है ना। तो वो अब डिपेंड करता है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, वो अगर नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं तो उनको दे दी जाती है नागरिकता। सबको नहीं दी जाएगी कि हर कोई अगर चाहे कि हम आकर के ले ही ले तो ऐसा नहीं होगा, बट कुछ विशेष प्रावधान होते हैं जिसके तहत उनको नागरिकता दे दी जाती है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, खत्म करते हैं। सिटीजनशिप पे मेन मेन बातें हो गई हैं। अब अगर ज्यादा एक जानना है तो ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। एक आपका वही 2019 वाला जो है CA NRC वाला, हम उसमें ज्यादा डिस्कशन करना नहीं चाहते क्योंकि न्यूज वगैरह इतना चली रही है कि आप उसमें समझ सकते हैं कि क्या है, ठीक है ना। और एक आपका अप्रवासी वाला है, वो जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो उसके बारे में समझ लो। प्रवासी भारतीय दिवस आप जानते ही हो कि प्रवासी वाला कौन सा है, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, मालूम है कि नहीं? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है ना, कि जो बाहर के लोग हैं उसमें। और 16 देशों को दोहरी नागरिकता दी गई है। चलो 5-10 मिनट कल बता देंगे उसके बारे में, नहीं तो रह जाएगा तो कहोगे सर छूट ही गया। कल पहले वो समझा देंगे, कल क्या समझा देंगे आपको हम, प्रवासी वाला समझा देंगे, ठीक है, जो प्रवासी भारतीय दिवस के कानून है वो समझा देंगे। और थोड़ा बहुत पॉइंट 2019 वाला जो संशोधन है उसके बारे में थोड़ा बता देंगे कि क्या संशोधन हुआ है। 10 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो जाएगा कल, ठीक है। चलो कल हम लोग देखेंगे इसे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो बस हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे सारे आर्टिकल्स वगैरह, आर्टिकल मत भूलिएगा, आर्टिकल बहुत जरूरी है, 5 से 11। जाते जाते पूछ लेते हैं क्वेश्चन, किसी की नागरिकता हटाई गई है क्या? डीपीपी आज 30 तारीख है, कल देखो कर देते हैं, डीपीपी प्रोवाइड करवा देते हैं, है ना, कल डीपीपी प्रोवाइड करवा देते हैं। कौन सा आर्टिकल ऐसा है स्टूडेंट जो ये कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? आर्टिकल बताना है वो कौन सा है। आर्टिकल बताना है कि वो कौन सा है।